बेटी ने आज 5 सपूत गवा दिए। आज पूरा देश गमगीन है। आंसुओं का ऐसा सैलाब उमड़ गया है जिसकी कीमत कोई भी नहीं चुका सकता। बीते सोमवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आतंकी वारदात को कायरता पूर्वक अंजाम दिया गया, जहां देश के 5 लाल शहीद हो गए। जम्मू के पूंछ में सुबह सेना के जवानों को खुफिया सूचना मिली थी, जहां आतंकी गतिविधियों की खबर आई, जिसके बाद सुरनकोट में डीकेजी के नजदीक एक गांव में अभियान शुरू किया गया था। वहीं इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और हमारे 5 जवान शहीद हो गए। इसी के साथ सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन को तेज करते हुए जम्मू कश्मीर में 3 एनकाउंटर में 5 आतंकवादियों को मार गिराया। आपको बता दें कि देश के जवानों के शहादत पर पूरा हिंदुस्तान गमगीन हो गया है। हर तरफ शांति छा गई है, लोगों में कायर आतंकियों के खिलाफ आक्रोश भरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच हम उन 5 वीरों के परिवार वालों के दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते, जिनकी आज पूरी दुनिया उजड़ गई है। आज हम इस रिपोर्ट में देश की मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाने वाले उन 5 शहीदों के बारे में बताएंगे, जो भारत की प्रतिष्ठा के लिए बिना कुछ सोचे उन आतंकियों से भिड़ गए। बता दें कि पूंछ में आतंकी वारदात के दौरान मनदीप सिंह, बहादुर सरत सिंह, गज्जन सिंह, वैसाख एच जसविंदर सिंह ने बड़ी ही बहादुरी से देश के लिए जान गंवाते हुए उन बुजदिल आतंकियों को आंखें दिखाते हुए इतना समझा दिया कि भारत की धरती अपनी रक्षा करना जानती है, इसलिए हमारी सीमा में घुसने की गलती अब दोबारा ना की जाए, वरना भारतीय सेना शस्त्रों का बेहतर इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। यहाँ इस मुठभेड़ में शहीद हुए मनदीप सिंह मात्र 30 वर्ष के थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। पंजाब के गुरदासपुर के गांव चट्टा के रहने वाले शहीद मनदीप सिंह के परिवार में एक बुजुर्ग माता मनजीत कौर, पत्नी मनदीप कौर और 2 नन्हे बच्चे हैं। आज देश के इस वीर के घर पर जैसे गमों का पहाड़ टूट गया है, लेकिन इस बीच माँ अपने बेटे के शहादत पर गर्व महसूस कर रही है। उनका कहना है कि मेरा पुत्र दुनिया से चला गया, लेकिन मुझे बहुत मान है अपने पुत्र की शहादत पर। देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की इच्छा रखने वाले मनदीप ने अपने नन्हे बच्चों सहित पूरे परिवार को देश के हाथ सौंप कर चले गए। 11 अक्टूबर को शहीद होने वाले मनदीप का महज 5 दिनों बाद यानी 16 अक्टूबर को जन्मदिन था। लेकिन वक्त का खेल तो देखिए, आज मनदीप तिरंगे की गोद में समा गए हैं। भारतीय सेना के प्रति लगाव रखने वाले मनदीप अपने गांव में हमेशा ये कहा करते थे कि उनके गांव में शहीद के नाम पर कोई गेट नहीं है। यहां मनदीप के चचेरे भाइयों का कहना है कि मनदीप सिंह बहादुर बहुत अच्छे फुटबॉल और बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले शहीद सरद सिंह, जिन्होंने अपने गाँव, इलाके और पूरे देश को अपनी जाबाजी से गर्व महसूस कराया है, वो अख्तियारपुर धावकल से थे, जहाँ आज पूरा गांव अपने लाडले के खोने से स्तब्ध है। यहाँ हर कोई शहीद सरद सिंह से अपनी आखिरी मुलाकात को याद कर रो देता है। परिवार को जैसे ही बेटे के शहादत की खबर मिली, हर कोई हिल गया। फिलहाल आतंकवादियों के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। इस बीच देश के जाबाज सिपाही मौजूदा समय में ऑपरेशन चलाते हुए उन गीदड़ आतंकियों को सीमा से बाहर खदेड़ने में लगे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के पूंछ में सोमवार को हुए एनकाउंटर में शहीद होने वाले बहादुर सिपाही गज्जन सिंह इस पूरे ऑपरेशन में मोर्चा संभाले हुए थे। रूपनगर जिले के पचरंदा गांव के रहने वाले गज्जन सिंह, जिनकी महज 3 महीने पहले शादी हुई थी, शहीद की पत्नी हरदीप कौर आज टूट गई है। अभी तो उन्हें ठीक से सजना सवरना भी नहीं आता था, उससे पहले ही वक्त ने उनसे सारा श्रृंगार छीन लिया। पति के जाने के साथ उनके सारे सपने बिखर गए। आज परिवार गमगीन है। इसी के साथ कोलम जिले के रहने वाले शहीद बैसाख एच, जिनकी शहादत की यादें अमर है, इस ऑपरेशन के दौरान बिना अपनी जान की परवाह किए उन आतंकियों से भिड़ गए, जिसने भारत के ऊपर आंख उठाकर देखने की जरूरत की थी। यहाँ इन सभी शहीद होने वाले जवानों के साथ नायक सूबेदार जसविंदर सिंह भी शामिल है, जिनका पूरा परिवार भारतीय सेना और देश के लिए अपनी सच्ची निष्ठा हमेशा ही रखती है। बता दें कि शहीद जसविंदर के पिता एक कप्तान के रूप में सेना से सेवानिर्मित हुए थे। वहीं पिता हरभजन सिंह ने भी अपने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जसविंदर सिंह के परिवार में बड़े भाई राजेंद्र सिंह, जो खुद भी देश के पूर्व सैनिक है, फिलहाल भारत में गम का माहौल बना हुआ है। शहीद हुए सिपाहियों पर आज पूरा हिंदुस्तान आंसू बहा रहा है।
बता दें कि इस पूरे ऑपरेशन पर सैन्य प्रवक्ता ने कहा है कि आतंकवादियों ने तलाशी दलों पर भारी गोलीबारी की, जिससे जेसीओ और चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में सभी जवान शहीद हो गए। इसी के साथ आपको बता दें कि सभी शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव भेजा जाएगा, जहां शहीद हुए सिपाहियों को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाएगी। एचसीएन न्यूज टीम की तरफ से शहीद हुए सेना के सभी जाबाज सिपाहियों को सत सत नमन। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।